नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि आप शिरडी जाकर कैसे कम से कम समय लगाकर दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप शिरडी गए हैं तो उसके पास कौन कौन सी जगह हैं जो आप साथ में घूम सकते हैं। वहाँ पर तीन तीन ज्योतिर्लिंग हैं, शनि शिग्नेश्वर है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहें तो उन्हें सिर्फ दो दिन में कवर कर सकते हैं। शिरडी जाने के लिए आप या तो ट्रेन से जा सकते हैं, या अब शिरडी में एयरपोर्ट खुल गया है तो आप डायरेक्ट फ्लाइट से भी जा सकते हैं, जो कि मेन शिरडी मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने जो है ये सफ़र ट्रेन के द्वारा तय किया था, और हमने साईं शिरडी संस्थान के रूम्स की भी पहले से ही बुकिंग कर ली थी। आप इस नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू रूम बुकिंग कर सकते हैं एडवांस में। अगर खाली समय आप जा रहे हैं, जैसे फरवरी में जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको रूम आसानी से मिल जाएंगे, वरना रूम मिलना बहुत मुश्किल है। आप अगर साईं शिरडी संस्थान के कमरे देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब है। एक एक फ्लोर पे तकरीबन 100 के करीब कमरे हैं, और ऐसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। रूम बहुत साफ़ सुथरे हैं, और तकरीबन सिर्फ 500 रुपये प्रतिदिन में रूम बुक हो जाता है। एक रूम के अंदर 3 बेड लगे होते हैं, जिसमें एक बड़ा और एक साथ में बच्चा आराम से सो सकता है। तो तकरीबन यूँ माने 5 से 6 लोग एक रूम में आराम से जा सकते हैं। उस जगह को बोलते हैं साईं संस्थान द्वारावती, जहाँ पे ये कमरों की व्यवस्था होती है। अगर आप और भी सस्ता रूम बुक करना चाहते हैं तो वहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, जिसमें 250 रुपये, 100 रुपये, जिसमें आपको सिर्फ एक गद्दा चाहिए। तो ये सारी बुकिंग भी आप साईं सेवा संस्थान के द्वारा कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। और अगर आप वेबसाइट से बुक नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ डायरेक्ट जाकर भी इस चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगर हम दिन के हिसाब से बात करें तो पहला दिन आप अर्ली मॉर्निंग जाकर साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं और आरती होती है। वीकेंड वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, साउथ इंडिया से स्पेशली बहुत क्राउड आता है वहाँ पे, बहुत महानता है साईं बाबा की वहाँ पर। अगर आप किसी बुज़ुर्ग के साथ जा रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर दो तरह की व्यवस्था होती है। एक होती है सीनियर सिटीज़न लाइन। सीनियर सिटीज़न लाइन में आप गेट से पास बनवाकर सीनियर सिटीज़न का पास ले सकते हैं, और उसके साथ में कोई भी एक व्यक्ति उनके साथ जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको VIP लाइन वाली एंट्री मिल जाएगी। अगर आप अलग से VIP लेते हैं तो उसके 200 रुपये लगते हैं। तो अगर कोई जवान बंदा है जिसको बहुत सारी लाइनों में नहीं लगना है तो वो VIP पास ले सकता है, जिसकी कीमत है 200 रुपये। अदरवाइज़ आप किसी बुज़ुर्ग अगर आपके साथ हैं तो उनको आप सीनियर सिटीज़न पास बनवा के उनके साथ एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसे बुज़ुर्ग है जिनको चलने में दिक्कत होती है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, उनके लिए तो दर्शन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं गया था, मेरी माताजी को भी चलने में दिक्कत थी, तो उनके लिए हमने व्हीलचेयर ली वहाँ से। व्हीलचेयर के साथ मेरी भी एंट्री फ्री हो गई, क्योंकि मैं उनको लेके गया, और जो दर्शन थे बिल्कुल साईं बाबा के मंदिर के, उनकी जो मूर्ति है जहाँ उनकी समाधि है उसके बिल्कुल सामने से ही दर्शन हुए। हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सेलिब्रिटी वाली एंट्री मिल गई हो, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमें वहाँ पे जाके। सारे पुलिस वालों ने भीड़ को रोक दिया, बिल्कुल हम व्हीलचेयर से ऐसे सामने जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो अगर मैं बात कहूँ अरेंजमेंट की, तो साईं बाबा संस्थान का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। वहाँ बूढ़ा हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, किसी को भी दर्शन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको बाबा बहुत अच्छे से दर्शन देते हैं। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है जो 1 साल से कम उम्र का है, तो वो भी अपने माता पिता के साथ बिना लाइन में लगे दर्शन के लिए जा सकता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है दर्शन करने का। नॉर्मल लाइन से आप लगेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल नहीं पाता है, या कोई बहुत छोटा बच्चा है, तो आप उनके साथ जाकर जल्दी से दर्शन कर सकते हैं। वरना VIP पास तो है ही, अगर आप 200 रुपये खर्च सकते हैं तो आपको VIP पास से भी बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि आप होटल में अपना मोबाइल फ़ोन पर्स वर्स छोड़ जाए, लेकिन यकीन मानिए इस चीज़ की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साईं बाबा मंदिर बीचों बीच स्थित है, और उसके चारों तरफ 4 गेट हैं, 1, 2, 3, 4, और हर गेट पर आपको सामान रखने और मोबाइल पैक, मोबाइल जमा कराने, प्रसाद लेने, सब चीज़ की अति उत्तम व्यवस्था है। तो आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं और वहीं पर सारा सामान रख सकते हैं। उसके अलावा जब आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो वहीं पर ही द्वारका माई हैं, उसके दर्शन भी आप ज़रूर करिए। पास में खंडवा का मंदिर है जहाँ पे साईं बाबा जी रहते थे, वहाँ पे आप दर्शन ज़रूर करिए, और दर्शन करने के बाद आप अपने आगे के सफ़र की तैयारी करिए। तो साईं बाबा के दर्शन करने के बाद अब आप आगे का सफ़र तय करते हैं। तो आप 2 रूट हैं आपके पास, एक है औरंगाबाद जाते हुए घृष्णेश्वर मंदिर का, और दूसरा है नासिक जाते हुए त्र्यंबकेश्वर का। तो दोनों रूट बिल्कुल अलग अलग हैं, एक लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है।
तो हमने क्या किया, हमने पहले त्र्यंबकेश्वर वाला रूट पकड़ा, तो हमने वहाँ से टैक्सी हायर की। टैक्सी यकीन मानिए दिल्ली से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही सस्ते रेट हैं। 250 किलोमीटर का अप डाउन था और एटिगा वाले ने सिर्फ हमसे 2500 रुपये चार्ज किए विद एसी। तो आप वहाँ से टैक्सी का ऑप्शन भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ से बस अड्डे से बसें चलती हैं, टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं शेयरिंग बेसिस पे, जो त्र्यंबकेश्वर के 300 रुपये सवारी लेते हैं और लाना ले जाना। तो ऑप्शन बहुत ही सस्ता है जाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने पहले दिन के लिए नासिक का सफ़र चुना, जहाँ हम साई बाबा दर्शन पहले दिन कर चुके हैं, फिर जाएंगे मुक्तिधाम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोदावरी नदी उद्गम और फिर पंचवटी। दोस्तों, ये है मुक्तिधाम मंदिर, जहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की स्वरूप स्थित हैं। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा पाए आज तक, आप यहीं पे देख सकते हैं कौन सा ज्योतिर्लिंग कैसा दिखता है। अलग अलग जगह हैं, सबके नाम भी लिखे हुए हैं। वहाँ से फिर हमने सफ़र तय किया त्र्यंबकेश्वर मंदिर के। देखिए, मेरे बैकग्राउंड में त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिख रहा है। महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें त्र्यंबकेश्वर जी एक हैं। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, जो आप जनरली ज्योतिर्लिंग देखते हैं उसमें शिवलिंग बना होता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के 3 स्वरूप हैं। वो छोटे छोटे पिंड के रूप में हैं। अगर आप दूर से शिवलिंग को देखेंगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब इसको ऊपर से देखेंगे तो उसको आप उसमें आपको 3 पिंडियाँ नज़र आएंगे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्वरूप है। वहाँ पे मंदिर में एक शीशा लगा है बहुत बड़ा, जिसके थ्रू आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सामने से देखने में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको ऐसा लगेगा वहाँ शिवलिंग कोई है ही नहीं। ये मंदिर परिसर की कुछ तस्वीरें हैं। आप मंदिर के भीतर की तस्वीरें नहीं ले सकते, कैमरा लेके जा सकते हैं पर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है, कोई फ़ोटो नहीं खींच सकता वहाँ जाके। दर्शन बहुत खुले हुए हैं, मैं कहूँगा अगर मैं वैष्णो देवी जी से और कहीं से कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छे से हमने 5-10 मिनट लगाकर दर्शन के अंदर ज्योतिर्लिंग के। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के बाद हम गए पंचवटी दर्शन के लिए। ये देख सकते हैं आप, पंचवटी जाकर आप कितने जगह के दर्शन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी पौराणिक जगहें हैं जिनका रामायण में वर्णन किया गया है। हमको हैरान हो गए, हमें नहीं पता था कि महाराष्ट्र में शिरडी के पास हम इतनी सारी रामायण की जगह को कवर कर सकते हैं जाके। दोस्तों, ये सारी जगह घूमने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि वहाँ गाइड ज़रूर लें। वहाँ ऑटो चलते हैं और वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो गाइड भी होता है, वो आपको इतने अच्छे से दर्शन कराएंगे और समय लगता है मात्र 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आप मानेंगे हमने इतनी जगह देख ली, उनके बारे में इतने अच्छे अच्छे रहस्य जाने, उन जगहों की कहानियाँ सुनी, बहुत ही मज़ा आया हमें तो ये जगह देखकर। सबसे पहले हम गए त्रिवेणी घाट पे। इस घाट की महानता ये है कि यहाँ पे राजा दशरथ की अस्थियाँ बहाई गई थी और महात्मा गांधी जी की भी अस्थियाँ यहीं बहाई गई थी। इस जगह पर महाकुंभ भी लगता है जब कुंभ का समय यहाँ पर आता है, और ये गोदावरी नदी प्लस अरुणा एंड वरुणा नदी, इन 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है। अरुणा एंड वरुणा गुप्त नदियाँ हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, वो ज़मीन के भीतर से ही प्रकट होती हैं, और गोदावरी नदी जो है वो आती है आपकी त्र्यंबकेश्वर से होते हुए। फिर हम गए अर्धनारीश्वर मंदिर, वो बंद हो चुका था, तो आप ये प्रतिमा देख सकते हैं, आधे शिव भगवान हैं और आधी पार्वती माता हैं। बहुत ही दुर्लभ मूर्ति थी, देख के ही मन बहुत उत्साहित और खुश हो गया। फिर हम गए कपालेश्वर मंदिर। इस मंदिर की महानता यह है कि एक ऐसा एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ पे बाहर द्वार पर नंदी जी की मूर्ति नहीं है, जो कि जनरली हम सब शिव मंदिर में देखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर नंदी जी की पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पे वो सेवक के रूप में नहीं जबकि उनको पूजा जाता है। फिर हम गए पंचवटी। शूर्पनखा की नाक कटने के बाद जब श्री राम से युद्ध करने के लिए खर और दूषण आ गए, तो श्री राम ने सीता जी को युद्ध से बचाने के लिए गुफा में छुपा दिया। अब उस गुफा की क्या निशानी रखी जाए, उसके लिए वहाँ पर 5 वृक्ष लगाए गए, बरगद के वृक्ष, जो आज भी हैं वहाँ पे। इन्हीं के नाम से इसको पंचवटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पुराने वृक्ष हैं ये, इनकी जटाएँ देखकर ही पता चल जाता है। और ये जो है ये गुफा के दर्शन है। लाइन बहुत लंबी थी तो मैं गुफा के अंदर जा नहीं पाया, हमारे पास समय भी बहुत कम था। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, उसके अंदर जा सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम गए काले राम और काले हनुमान मंदिर। राम जी की तस्वीर हम नहीं ले पाए। ये मूर्तियाँ जो हैं ये बाजीराव पेशवा को गोदावरी नदी से मिली थी, उसके बाद उन्होंने इस मंदिर का उस समय में 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया। मंदिर बनाने में भी काफ़ी समय लगा था। ये कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी मूर्तियाँ हैं अपने भारत में कि जिनमें हनुमान जी और श्री राम जी का रंग काला है।
फिर जो हमें सबसे हैरान कर देने वाला स्थान लगा वो लगी है कुटिया। ये वही स्थान है जहाँ से सीता माता का रावण ने हरण किया था। इसके कुछ दूरी पर पीछे की तरफ एक पानी की धार बह रही है जिसने गोलाई में इस जगह को कवर करके रखा हुआ है और कहा जाता है कि वही लक्ष्मण रेखा है। सीता माता उसी लक्ष्मण रेखा को पार कर कर यहाँ पर आई थी और भिक्षा देते हुए रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, इसमें सीता जी की मूर्ति है और मंदिर के बाहर रावण की भी मूर्ति लगी हुई है। फिर हम लक्ष्मी नारायण मंदिर गए जहाँ पे दर्शन करके ही कुंभ का स्नान शुरू होता है। यहाँ पे हमें श्री राम जी के पदचिन्ह मिले जिसमें दिखाया गया है कि श्री राम और सीता जी दोनों के पैरों के नीचे क्या कुंडली का प्रभाव है, और प्लस साथ में ये हमें भारत का नक्शा दिखा जहाँ पे नीला रंग जो है, जो गाढ़ा नीला रंग है, वो बताता है कि श्री राम जी अपने वनवास के दौरान कहाँ कहाँ घूमे। तो मैं जानकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि 250 से भी अधिक ऐसे स्थान हैं जहाँ श्री राम गए थे अपने वनवास के दौरान, और आज वहाँ सब तीर्थ स्थान बन चुके हैं। ये देखिए, ये हाथी की शेप में एक वृक्ष भी था, वो भी हमें गाइड ने दिखाया। तो ऐसे तीर्थ स्थानों पर ऐसी महान महान चीज़ें देखने को मिल ही जाती हैं। तो दोस्तों, पहले दिन के बहुत ही अच्छे सफ़र और रोमांचक सफ़र के बाद हम दूसरे दिन औरंगाबाद के रूट के लिए निकले, जहाँ पे हम कवर करेंगे शनि शिग्नापुर, श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और एलोरा गुफा, अगर हमें टाइम मिला तो। तो आइए चलते हैं अगले सफ़र पर। अगले दिन हम निकले औरंगाबाद वाले रूट पर और वहाँ सबसे पहले हम गए श्री शनि शिग्नापुर। ये मंदिर की एंट्री की तस्वीर है और यहाँ बहुत सारी रोचक बातें हैं जानने के लिए, जिसमें से एक है कि यहाँ घरों में कोई भी ताला नहीं लगाता, यहाँ चोरी होती ही नहीं है, यहाँ शनि देव जो महाराज हैं वो खुद ही रखवाली करते हैं पूरे नगर की। ये देखिए, जो शनि देव हैं वो शिला रूप में स्थित हैं, इस शिला को कोई छू नहीं सकता है। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, भीड़ काफ़ी कम थी, काफ़ी देर हम इस मंदिर में रहे, दूर से दर्शन किए, पास से किए, और जो इसमें तेल चढ़ाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, दूर आप तेल चढ़ाएंगे और वो मोटर के थ्रू शनिदेव के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम गए लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर। ये मंदिर का बाहर से दृश्य है और देखिए, ये मेरा पूरा परिवार है जिनके साथ हम गए थे दर्शन करने के लिए। ये जो है हनुमान जी की प्रतिमा है अंदर जो स्थापित है मंदिर के। महिलाओं के लिए अलग लाइन है और पुरुषों के लिए अलग लाइन है दर्शन करने के लिए। फिर हम पहुँचे जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, श्री घृष्णेश्वर जी। वहाँ पर हम गए, वहाँ मोबाइल कैमरा बेल्ट वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, सब हमको बाहर जमा कराना पड़ा। और एक और रोचक तथ्य आपको बताऊँगा कि अंदर दर्शन करने के लिए पुरुषों को ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं डालना, मतलब आप पैंट वगैरह डाल सकते हैं लेकिन शर्ट बनियान वगैरह कुछ नहीं आपको डालना होता है। तो अगर आप ऐसे जाएंगे दर्शन करने के लिए तो पंडित जी आपको बाहर रोक देंगे, कहेंगे पहले आप वस्त्र उतार कर आइए। ये ज्योतिर्लिंग की तस्वीर है, मैंने इंटरनेट के माध्यम से निकाली है। बहुत ही खुले दर्शन यहाँ पे भी हुए, तसल्ली से आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, आप हाथ लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं कहूँ इतने बड़े ज्योतिर्लिंग के पास जाके उनको हाथ लगा के दर्शन कराना अपने आप में ही एक बहुत ही सुकून देता है आपके दिल और दिमाग को। दूसरे दिन का सफ़र जल्दी ही समाप्त हो गया था तो हम वापस आए, हमने फिर से साईं बाबा के दर्शन किए और आई लव साईं बाबा के साथ तस्वीर खिंचवाना तो बनता ही था पूरे परिवार की। बहुत मज़ा आया, बहुत ही आनंदपूर्ण सफ़र रहा आज का भी। तो दोस्तों, दो दिन के इस भक्ति भाव से पूर्ण तीर्थ के बाद अब हमारा जाने का समय हुआ वापस दिल्ली को। तो वापसी हमने जो है फ़्लाइट्स बुक करा रखी थी शिरडी एयरपोर्ट से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा हमारे पास अगर एक दिन एक्स्ट्रा होता तो हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी कवर कर लेते जो कि पुणे में है, कि वो भी पूरे एक दिन का सफ़र है। तो अगर आपका एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं तो आप वो भी ज़रूर दर्शन करके आइएगा, टैक्सी हायर करके या बस से भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा सफ़र जो था बहुत अच्छा रहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे तीर्थ स्थानों के हमें दर्शन करने को मिलेंगे, हम तो सिर्फ शिरडी और शनि शिग्नापुर ही सोच के गए थे। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको आगे शिरडी जाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। अगर किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन है या कोई इस वीडियो के लिए सुझाव है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय साईं राम।